और आप देखिए कितने कितने सारे नोटों को खर्च करना पड़ेगा इसकी साइकिल लेने के लिए। सो आई होप यहाँ पे हमें अपने ऑप्शन मिल जाए। नहीं अभी तो चला लेगा, मतलब हमारे पापा से कम से कम 3-4 साल तो चलाई, इतने पैसे डाले तो वसूल तो हो ही जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल सनातन व्लॉग्स। आई होप आपको ये जगह याद होगी, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं और हमें आप देखते हैं तो आपको जरूर पता होगा कि यहाँ पहले भी आ चुके हैं। यस बिल्कुल सही, आपने सही अंदाजा लगाया, हम आए हैं साइकिल मार्केट करोल बाग की। तो यहाँ दोबारा आने का हमारा मेन रीजन ये था कि बहुत जल्दी मेरे गुड्डू की बर्थडे आने वाली है। 9 दिसंबर को अंश की बर्थडे होती है, तो इस बार हमने सोचा कि अंश की बर्थडे में अंश को सबसे फेवरेट गिफ्ट दिया जाए। तो आई होप आपको गैस लग गया होगा कि हम क्या खरीदने वाले हैं, बट फिर भी एंड तक इस ब्लॉग में बनी रही है और आपको हम दिखाएंगे कि हमने अंश के लिए क्या स्पेशल सा गिफ्ट खरीदा है, जो कि बहुत टाइम से हम लोग सोच रहे थे, बट इसके 4th बर्थडे का वेट कर रहे थे हम लोग, तो इसीलिए हमने इसको पेंडिंग कर दिया था अब तक खरीदना। तो आज फाइनली वो दिन आ गया है जब अंश के लिए, अंश की बर्थडे का सबसे बढ़िया सा गिफ्ट लेने वाले हैं हम अंश का। सो एंड तक बनी रहिए और आप भी देखिए हमने क्या शॉपिंग करी है अंश के लिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उसको लाइक जरूर करिएगा, ताकि आने वाले आपके अच्छे अच्छे वीडियोज, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स और अंश का सेलिब्रेशन, जो कि बहुत स्पेशल होने वाला है इस बार, क्योंकि हमारी उम्मीद से भी परे जाने वाला है सेलिब्रेशन। पता नहीं, हम भी नहीं जानते कि कैसा होने वाला है, तो आपको सारे वीडियोस सारे व्लॉग्स पता चलते रहेंगे। वो तभी होगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। तो अब मेरे मॉडल ने, मेरे अंश ने बोल दिया सब्सक्राइब करने के लिए, तो आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को डिले किए बिना इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको लेके चलते हैं करोल बाग मार्केट में, जो कि साइकिल मार्केट एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। तो फटाफट चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आज के लिए गिफ्ट खरीदने स्टार्ट करते हैं। खुशी में तो हमें ऑप्शन समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हमें जो चाहिए था, जो मॉडल चाहिए था, वो मॉडल में मिला नहीं है। प्लस मॉडल भी अच्छा नहीं लग रहा, मॉडल अच्छा नहीं लगा मैं अंश के पार्टी की दुकान में देखते हैं। अब हम यहाँ पर आए हैं, यहाँ पे देखते हैं कि हमको ब्लैक ऑप्शन में कुछ मिल रहा है या नहीं, बाइक या कार। यहाँ आप देख सकते हैं लाइन से सारी बाइक और कार की ही पूरी मार्केट है। रिपेयरिंग सब हो जाती है यहाँ कार और बाइकों की, बच्चों की। ये बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की। चल अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि नीचे की तरफ तो हमें अपना ऑप्शन मिला नहीं बाइक और कार का कोई अच्छा सा। सो अब हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या ऑप्शन मिलते हैं लेने के लिए। तो चलिए चलते हैं, ऑप्शन देखते हैं आपको और दिखाते हैं कि कैसा रहता है यहाँ का। सो आई होप यहाँ पे हमें अपने ऑप्शन मिल जाए। तो चलते चलते हैं शॉप के अंदर, आपको दिखाते हैं कि क्या ऑप्शन अवेलेबल होते हैं यहाँ पे। हाँ यहाँ है भाई। आओ अंशो, अब आज से लेते हैं। बाइक चाहिए भैया हमें। कितने साल का बच्चे है? मुझे बड़ी चाहिए, थोड़ी बड़ी चाहिए। ये आएगी मैम, ये सबसे बड़ी यही आती है। अच्छा ये आएगी। किस तरह का मॉडल है? इसमें ब्लैक है क्या? कौन सा नहीं आएगा मैम, इसमें आपको रेड मिल जाएगा पूरा। जहाँ ये ब्लू आ रहा है ना, और भी कोई मॉडल हो इसी हाइट में? नहीं, किसी में नहीं आएगा, इससे बड़ी कोई बाइक नहीं आती। लेकिन तो छोटी है ना, बच्चा चला लेगा। नहीं अभी तो चला लेगा, मतलब हमारे पापा से कम से कम 3-4 साल तो चलाई, इतने पैसे डाले तो वसूल तो हो ही जाए। 4-5 साल अभी, 4 साल और चला लेगा। चलाइए चलाइए चलाइए, चलो 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 चलो। अब शायद ये बाइक समझ में आ रही है, तो देखते हैं लेट्स सी इसका कलर हमें समझ में आता है या नहीं आता है। कम थोड़ा
तो मेरा और तनु का झगड़ा हो चुका है। मेरे को ये बाइक पसंद आ रही है, ये जिसमें आज बैठा हुआ है ये, और तनु को ये पसंद आ रही है हार्ले वाली। इन दोनों में कौन सा बेटर रहेगा? थोड़ा चार पांच सा चलता है बच्चे के साथ। ये वाला क्वालिटी वाइज, ये व्हाइट वाली जब बिजी जा रहा तो बड़ा ही होगा। आप किस रेंज में देख रहे हैं अभी? आप रेंज क्या मतलब, मुझे चीज थोड़ी अच्छी चाहिए। ऐसे तो मैं ये हल्की फुल्की लेने आया था, लेकिन सब वो ज्यादा अच्छी लगी मुझे। उसकी 8000 अंश को ही पसंद आई है गाड़ी, तो फाइनली इसका भी डेढ़ कलर का बाइक बुक कर दी है। तो अभी वो सैंपल होकर मिलने वाली है, आधा घंटे के अराउंड टाइम लगेगा। तो हमने यहाँ पे एडवांस पेमेंट वगैरह कर दी है, तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ी बहुत बच्ची कुच्ची शॉपिंग करने के लिए, अंश के लिए थोड़ा बहुत छोटे मोटे का सामान लेना है इनका। तो आधे घंटे बाद आकर अपनी गाड़ी को चेक करेंगे कैसा है क्या है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह की सारी शॉप अवेलेबल हैं, बलून शॉप एंड ऑल, गिफ्ट शॉप, सारी चीजें हैं अवेलेबल। तो अभी हमने पैसे निकाल लिए हैं और आप देखिए कितने कितने सारे नोटों को खर्च करना पड़ेगा इसकी साइकिल लेने के लिए। तो इसका बाइक लेने के लिए, अरे हाँ, नहीं तो मेरे मुँह से साइकिल ही साइकिल निकलता है। अरे बस कर, रुलाएगा क्या? और अंश पीछे पड़ा हुआ है, चलो 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 अंश, क्या हुआ? चलिए चलिए बाइक लेते चल के चलिए। लुक दे रहा है क्या? कम होता चली आएगी। अच्छा जो आप चार्ज पे लगाओगे से, तो चार्ज पे हाँ चलेगी। आज अच्छी लग रही है, बात चले अभी चलते, रुकिए ले ले। तो फाइनली दो घंटे की जद्दोजहद के बाद हमने बहुत ही अच्छी सी बाइक, आपको ये छोटे से ये जो छोटा सा झरोका दिख रहा है आपको अंश के और मेरे बीच में, इसमें रखी हुई है। बहुत अच्छी बाइक लगी मुझे भी, और एक थोड़ा सा यूनिक मॉडल लगा, सारे कॉमन मॉडल्स जो मिल रहे थे हर दुकान में उनसे थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो हम लोगों ने इसको खरीद लिया। तो इसका डिटेल्ड में हम इस पर्टिकुलर बाइक को दिखाते हैं घर पर चल के। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी जर्नी फिर से साइकिल मार्केट से अपने घर तक की। चलो बोलो शंकर भगवान की। ये है अंश का व्हाइट कलर की, हमने हार्ले डेविडसन की एक कॉपी ली है, इसका नाम है यार्ले डेविडसन। आप देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत है, एकदम रेप्लिका बनाने की कोशिश करी गई है। चलिए अब मैं दिखाता हूँ आपको, अंश ने थोड़ा थोड़ा चलाना भी सीख लिया है। अंश इसको ऑन करो भैया, स्विच 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 चेंज करो, हाँ कम ऑन। बाइक चलने में काफी अच्छी है, थोड़ा सा ये प्रैक्टिस की जरूरत है, इसको चलने लगेगा अच्छे से। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो बाइक है हमने ऑलमोस्ट 10 से 12 दुकानों में जो भी अवेलेबल थी झंडे वाला में, उनको एक्सप्लोर करने के बाद, सारे ऑप्शन एवेलुएट करने के बाद, तब जो है हमने इसको फाइनल किया इस बाइक को, क्योंकि ये काफ़ी यूनिक लुक दे रही थी। कलर भी काफ़ी सोबर था, क्योंकि लाल पीले हरे नीले तो काफ़ी कलर मिल रहे थे, वो सारे इतने अच्छे भी नहीं दिख रहे थे, बट ये थोड़ा सोबर कलर लगा तो हमने ये लिया। प्लस जैसा कि मैंने बताया कि क्वालिटी और ड्यूरेबिलिटी वाइज भी ये काफ़ी बाइक अच्छी थी। तो प्राइस की अगर मैं बात करूं तो ये हमें उन्होंने 11000 रुपए की बताई थी, और हम इसका प्राइस 8000 रुपए लगा रहे थे, लेकिन काफ़ी कन्विंस करने के बाद उन्होंने 9000 रुपए उन्होंने डन किया। लेकिन हमने जब कैश पेमेंट की बात करी तो उन्होंने 8500 रुपए में फाइनली बाइक हमें दे दी। तो चलिए ठीक है, अब ज़्यादा आपके समय को ख़राब ना करते हुए इस ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। और अगर आपको ये अंश का बर्थडे का गिफ्ट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए इस वीडियो को, और हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अंश प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।